हेलो एवरीवन, वेलकम टू सन्स फेवरेट फूड। चलिए आज बना लेते हैं बिल्कुल पानी से भी पतले पापड़, बहुत ट्रांसपेरेंट, सिर्फ दो आलू से, जो बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है इसको बनाने का। सिर्फ दो आलू से हम 100 से भी ज़्यादा पापड़ बनाकर रेडी कर सकते हैं। घर पर ही आप इस तरह से ढेरों पापड़ बना कर रेडी कर सकते हैं और इन्हें साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। फ्री आ रही है और आप इन्हें गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं और इन्हें आप इवनिंग स्नैक्स वगैरह में भी खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक कप पोहा ले लिया है। पोहा और आलू को मिक्स करके हम इन पापड़ को बनाएंगे। पोहे को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, इसको इस तरह से रगड़ के वॉश कर लेंगे पहले, और इसका पानी निकाल कर बिल्कुल इसमें हम साफ पानी ऐड करेंगे। वॉश कर लिया है मैंने इसे, अब इसमें हम थोड़ा सा साफ पानी ऐड करेंगे और इसे कुछ देर के लिए इसे अलग करके रख देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे अलग कर देंगे, जिससे कि अच्छे से फूल जाएगा, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैंने ले लिए हैं दो उबले हुए आलू। दो आलू लिए हैं मैंने, क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इनकी। ज़्यादा पापड़ बनाकर रेडी करके रखना चाहते हैं तो इन्हें अब हम छील लेंगे अच्छे से प्रॉपरली। दोनों को मैंने छील लिया है और इन्हें अब हम रफली चॉप कर लेंगे। इस तरह से कट कर लेना है इसको छोटे छोटे पीसेस में, इससे हमें पीसने में इसको आसानी होगी। इस तरह से कट कर लेंगे। अब मैंने लिया है मिक्सर जार, उसे इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। सभी को साथ में डाल के भी पीस सकते हैं या फिर आप अलग अलग थोड़ा थोड़ा अलग भी पीस सकते हैं इन्हें। अब इन्हें हम जो पोहा है हमारा, ये भी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, देखिए बिल्कुल अच्छे से मैश हो पा रहा है ये। अब जब इसको भी हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इन दोनों को हमें पीसना है तो आप इसे पीसने के लिए इसमें थोड़ा बहुत पानी भी ऐड कर सकते हैं, एक गिलास पानी तक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं आप इसको पीसने के लिए इजीली। तो अब मैंने इसको पीस लिया है, मैंने भी इसको पीसते हुए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया था। तो इस तरह से ये पीस कर रेडी हो गया है, ये देखिए। अभी इसमें लम्स हैं तो हम इसे अब छान लेंगे। तो मैं ले रही हूँ छलनी और मैं एक बर्तन ले ली हूँ जिसमें मैं इसको पकाऊंगी। तो आप चाहे तो कढ़ाई या भगोना कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने कढ़ाई ली है डायरेक्ट जिसमें इसको पकाना है, तो इसी में हम इसको छान लेंगे। तो इससे इस तरह से छान के हम इसमें जो लम्स हैं वो इजीली निकल जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इस तरह से हमने इसको छान लिया है और देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है अभी। अब इसको हम गैस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। गैस पर ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक कप पानी, और एक कप पानी मैंने इसको पीसते हुए ऐड किया है और एक कप पानी मैंने इसको अब इसमें गैस पर ट्रांसफ़र करने के बाद ऐड किया है। तो मैंने दो कप टोटल पानी इसमें ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये थोड़ा थोड़ा पकना शुरू होगा तो इसे कंटिन्यूसली चलाएं आप, क्योंकि ये धीरे धीरे नीचे लगना भी शुरू होता है। तो इस तरह से चलाते रहें इसमें। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ मैं आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। आधा चम्मच नमक डालने के बाद इसे इस तरह से कंटिन्यूसली मिक्स करके चलाएँगे हम। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, एक पिंच के अकॉर्डिंग पापड़ खार। पापड़ खार नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। अब इस तरह से हम इसको देख लेंगे, अगर ये बिल्कुल भी बहने की क्वांटिटी में नहीं है तो ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इस तरह से आप स्पून पर इस तरह से लाइन बना के देखिए, हमारा रेडी है। अब इसको हम प्रॉपरली ठंडा हो जाएगा तब उसके बाद इसको इस तरह के किसी ट्रांसपेरेंट पॉली पर या फिर आप कोई ट्रांसपेरेंट जो कैरी बैग्स होते हैं उस तरह का यूज़ कर सकते हैं। उसको अच्छे से इसके ऊपर इस तरह से चमचे से गोल शेप में इस तरह से पापड़ को हम रेडी कर लेंगे। छोटी छोटी रोटी की शेप में हमें इसको इस तरह से सभी को बनाकर पॉली के ऊपर लगा देना है। इस तरह से इजीली उतर जाता है ये, इस तरह से पॉली के ऊपर आप लगाते हैं। इसमें कोई भी ऑयल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से इसको लगा सकते हैं। जब ये धीरे धीरे सूखना शुरू होगा तो ये खुद ब खुद ईजिली पॉली के ऊपर से अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, अच्छे से उतर कर आ जाते हैं। तो इन पर कोई भी घी या फिर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे यहाँ धूप काफ़ी कम क्वांटिटी में आती है बालकनी में, तो मैंने इन्हें वहीं सुखाया है। आप इसे डायरेक्टली छत पर भी सुखाकर
रेडी कर सकते हैं। 5 से 6 घंटे में ही डायरेक्ट धूप में आप इसको सुखाएंगे तो 5 से 6 घंटे में ही ये इजीली उतर कर आ जाते हैं बॉली के ऊपर से और आराम से आपके पापड़ बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी हो जाते हैं। बहुत ट्रांसपेरेंट बनते हैं, थोड़ा सा क्रैक जरूर हो जाते हैं बनते हुए सूखते हुए, तो इससे कोई जरूरत नहीं है, तो वो भी आप इजीली बनाकर अपने रेडी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनते हैं ये देखिए, इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा पहले सूखना शुरू होते हैं ये देखिए, और पॉली से बहुत इजीली रिमूव होना शुरू हो जाते हैं इस तरह से। जब ये प्रॉपरली सूख जाते हैं तो ये इस तरह से आराम से उतरना शुरू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ये सूखना शुरू हो गए हैं देखिए, 1-2 घंटे में ही ये धूप में इस तरह से सूखना शुरू हो जाते हैं और अच्छे से 5-6 घंटे धूप लगने के बाद ये प्रॉपरली इस तरह से उतर कर आना शुरू हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बने हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक मैंने पॉली पकड़ रखी है, इस तरह से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनते हैं। तो ये धीरे धीरे अभी सूख रहे हैं थोड़े थोड़े, इस तरह से देखिए सॉफ्ट हैं ये काफ़ी अभी, तो जब ये बिल्कुल प्रॉपरली सूख जाएंगे तो हार्डनेस भी इनके अंदर आ जाएगी और ये बिल्कुल इस तरह से बनकर रेडी हो जाएंगे। ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट बने हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लाइक मैंने पॉली पकड़ी हुई है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनते हैं। रेडी हैं हमारे पापड़ इस तरह से सूख कर रेडी हो गए हैं ये देखिए, और इसमें इस तरह से हार्डनेस भी आ गई है, तो जब आप इन्हें बिल्कुल ऑयल में पकाएंगे तो ये ईजिली अच्छे से पकेंगे और अच्छे से फूल कर बनकर रेडी होंगे। ये देखिए रेडी हैं हमारे पापड़, इस तरह से आप ढेरों पापड़ बनाकर रेडी कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, 1 साल तक के लिए आप इसे ईजिली स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से आप इन्हें ट्राई करके देखिए, अब हम इन्हें ऑयल में पका के देखेंगे कितनी जल्दी से फूल कर एकदम से ऊपर आ जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए एक एक पापड़ इस तरह से फूल कर रेडी होगा, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी टाइप बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं इन्हें, इसी तरह से आप मसाले वाले पापड़ भी बना कर रेडी कर सकते हैं। ये देखिए इतना क्रिस्पी बने हैं कि एकदम हाथ में लेते ही इस तरह से क्रंच हो रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए, आप ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।